हेलो एंड सत श्री अकाल, वेलकम टू बिंदल दी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी कढ़ी। जी हाँ, कढ़ी बहुत तरह की होती है, लेकिन आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है खास पंजाबी कढ़ी, जो नॉर्थ इंडियंस बनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बनती है, इसे पकौड़े वाली कढ़ी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाबी कढ़ी बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ इंडियन डिश है, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सरसों का तेल यूज होता है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें डालिए एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, एक साबुत मिर्च डाल दीजिए और एक चम्मच कसूरी मेथी। इसे एक दो सेकंड के लिए सॉटे कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए चॉप किए हुए प्याज। ये दो मीडियम साइज के प्याज थे, इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया था। इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लस्सी की तैयारी कर लेते हैं। ये है खट्टी लस्सी, जिसे छाछ भी कहते हैं। एक लीटर लस्सी में मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा कप बेसन डाला है। इसे मैं बॉस की मशीन से मिक्स कर रही हूँ, इसमें लम्स ना रहें। आप हाथ की जो मथनी होती है, जिसे मदानी भी कहते हैं पंजाबी में, उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे प्याज गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कट किया हुआ अदरक। ये कुछ एक इंच अदरक का टुकड़ा था, ये 8-10 लहसुन की कलियाँ थी और ये 3-4 मिर्चें, ये भी कट कर ली थी मैंने। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये महाराष्ट्र में ही डलता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं डालते। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसालों का बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लस्सी। ये एक लीटर लस्सी है, जिसमें हमने बेसन अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे थोड़ा मिक्स कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा और पानी, कुछ आधा लीटर और पानी डाल रही हूँ मैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम कुक होने देंगे ताकि बेसन जो है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज आलू, जिसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे कुक होने देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपको हाई फ्लेम पे कुक करना है, जैसे थोड़ी घाई है, काम करना है फास्ट फास्ट या कुकिंग फास्ट करनी है, पर जैसे ही आप गैस का फ्लेम हाई करेंगे तो कढ़ी बाहर आनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा काम फास्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि एक जो प्लेट होती है, कांच की प्लेट, कप एंड सॉसर में जो यूज़ होती है ऐसी वाली, वो प्लेट को कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। अब आप हाई फ्लेम पे भी कुक करेंगे तो कढ़ी बाहर नहीं आएगी और आपका काम फास्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये हाई फ्लेम पे कुक हो रहा है और कढ़ी बिल्कुल भी कढ़ाई से बाहर नहीं आ रही है। यहाँ पे हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं, प्याज के पकौड़े हैं। यहाँ पे प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और यहाँ पे एक पोटैटो लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन, एक कप बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद इसमें ऐड करने हैं मसाले,
तो सबसे पहले डालिए नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा, यहाँ पे अजवाइन का यूज भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें ऐड कर दीजिए वो बची हुई जो हरी मिर्चें हमने बचा के रखी थी वो, और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, धनिया। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी अभी नहीं मिक्स करना है, नहीं तो बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो पहले प्याज के जो मॉइस्चर है उससे थोड़ा सा गीला होने दीजिए बेसन को, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इसमें। जो ये घोल है वो पतला नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। गैस पे हमने तेल गरम रख दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़े बनाना। यहाँ पकौड़े का साइज थोड़ा बड़ा है, मीडियम फ्लेम पे ही हम तलेंगे पकौड़ों को। हाई फ्लेम पे काले हो जाएंगे, आपको लगेगा पक गए हैं और वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए पकौड़े मीडियम फ्लेम पे ही कुक करने चाहिए। थोड़ी देर बाद इसे पलटी कर दीजिए, एकदम क्रिस्पी गोल्डन प्याज के पकौड़े बनके रेडी हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इसी तरीके से सारे पकौड़े तल लेने हैं। पंजाबी कड़ी में ऐसे प्याज वाले पकौड़े ही डलते हैं। यहाँ पे हमारी कड़ी भी रेडी हो चुकी है, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमने प्याज के पकौड़े बनाए हैं, जिसे महाराष्ट्र में कांदा भजी भी कहते हैं। अब इसे गार्निश कर दीजिए कोरिएंडर के साथ। ये जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी थोड़ी और थिक हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा थिक ना करें इसे। इट्स टाइम टू सर्व नाउ। सर्व करते टाइम मैं डबल तड़का लगा रही हूँ। देसी घी के अंदर मैंने एक देगी मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है, तो ये देखिए और ज्यादा डिलीशियस हो गई है हमारी कड़ी। इसे मैं सर्व कर रही हूँ जीरा राइस के साथ। प्याज के पकौड़े थोड़े टी टाइम के लिए रखे थे मैंने, उसे मैंने सर्व किया है पुदीने की चटनी सॉस और गर्मा गर्म चाय के साथ। आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और इसे बनाया है सिमरन ने। सो स्पेशल थैंक्स टू माय मॉम, मम्मी जी थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बिंदर दी रसोई।